देखो इसको आप करो सेटिंग। माननीय आदित्य शंकर जी वाजपेयी टू टेक द सैल्यूट फ्रॉम द वेरियस ग्रुप्स ऑफ स्कूल इन दिस सीरीज। Now the school band is going to salute the honorable chief guest, the esteemed manager of the school, Mananiya Aditya Shankar ji Bajpayee, with the leadership of Bhaiya Vyas Chaturvedi having the flag in his hands. The band is moving forward with the beats of drums, which is a symbol of unity, faith, discipline, tolerance and enthusiasm. Haath mein hai arul ketal aur pairon mein pravanjan, parvaton ko jod kar de sagaron ka kare.
very poor person tells, a good person explains, a superior person demonstrates, but a great person inspires others to see for themselves. Today, we are glad to have such a great personality among us. I would humbly request our Honorable Vice Principal Ma'am, Mrs. Manjubala Srivastava Ji, to introduce our Honorable Chief Guest and the other dignitaries on the stage. हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम सभी के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक, प्रत्यक्ष मार्गदर्शक, कुशल अधिवक्ता एवं प्रबंध समिति के प्रबंधक माननीय श्री आदित्य शंकर जी वाजपेयी का शुभागमन विद्यालय प्रांगण में हुआ है। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि श्री प्रबंधक महोदय जी का बुके देकर और उत्तरी द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। इसी श्रृंखला में हम सभी के मध्य माननीय श्री भवानी भेग जी, प्रांत संघ चालक कानपुर प्रांत, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी शुभागमन विद्यालय में हुआ है। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री मनबोधन जी से निवेदन है कि भवानी भेग जी का उत्तरी द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। श्री सभाशंकर जी से निवेदन है कि बुके देकर आपका सम्मान करने की कृपा करें। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है, अब प्रश्नों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग भेद, ना क्षेत्रवाद, हर तबके को है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मातृभाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रित है चिरंजीव अंश प्रताप सिंह, कक्षा 11 का। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील में वेशभूषा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। और मैं उस देश का नागरिक हूँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल पढ़ाया जाता था। सर्वप्रथम विद्या की आराध्य देवी माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विद्यालय के प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, आदरणीय भवानी भीख जी, उप प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए मैं सभी भैया बहनों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ जो पर यहाँ पर पधारे हैं और गणतंत्र दिवस मनाने के हेतु उपस्थित। महोदय,
आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यूँ तो हम बात कर रहे हैं अपने यशस्वी भारत के गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संविधान की, तो इस संविधान को पाने के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपने आप को हंसते हंसते मिट्टी में दफनाया था। माटी में बौसी का जोश जवाहर, माटी में गांधी के भाले मिलेंगे, और माटी में शेखर और भगत सिंह लेकर क्रांति मशाले मिलेंगे, और माटी में झंडा तिरंगा के गीत हैं, माटी में पूजा के थाले मिलेंगे, और माटी में कोई मिले ना मिले पर माटी में माटी के लाले मिलेंगे। महोदय, यूं तो भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन इस संविधान को बनाने में तपाया था, और आज इसका फल यह है कि भारत मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। भारत में सदैव से ही अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते आए हैं, परंतु 26 जनवरी के दिन सारे संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग मिलकर एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। पिछले 75 वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में निरंतर अपने परचम को लहराया है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, सैन्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत गतिशीलता से आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब संपूर्ण विश्व में COVID-19 के दौरान सभी की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी, उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन मजबूत और सुदृढ़ होती जा रही। जब भारत बात करते हैं भारत की, तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं कि जिसने जेब से निकाल के दे दिया, लो भाई ये भारत है, इस भूमि का नाम भारत है। नहीं, भारत का मतलब है भारतीय, जो लगातार गतिशील है और लगातार उज्जवल की ओर बढ़ता जा रहा है और निरंतर विकास करता जा रहा है। भारत जब अभी हाल ही में G20 और P20 के माध्यम से भी भारत ने संपूर्ण विश्व का विश्व गुरु बनकर नेतृत्व किया और यह दिखलाया कि भारत की नेतृत्व क्षमता विश्व की सबसे बेहतरीन नेतृत्व क्षमता है। चंद्रयान 3 और Aditya L1 को लॉन्च करके भारत ने चंद्रमा पर भी अपने झंडा गाड़ा और वहां पर अपने परचम को लहराया। जिस दिन तेरी कामयाबी का परचम इस धरती पर लहराएगा, जिस दिन तेरी कामयाबी का परचम इस धरती पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। महोदय, जब COVID-19 था उस समय संपूर्ण विश्व संघर्ष कर रहा था, तब हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए न केवल स्वयं के लिए वैक्सीन बनाकर बल्कि जरूरतमंद देशों को वैक्सीन प्रदान करके इस वाक्य को सही साबित कर रहे थे कि हम विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। महोदय, आज संपूर्ण विश्व में भारत के लोग फैले हैं, परंतु वहां पर फैले हुए लोग आज भी अपने देश को और अपनी भूमि को मां मानते हैं और कहते हैं जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसि। महोदय, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हाँ और ना भी अन्य जन नानते जब जानते थे ईश के आदेश से हम वेद मंत्र बखानते, थे ईश के आदेश से हम वेद मंत्र बखानते, थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रसाद तन के तट हमारे चंद्र को थे चूमते, प्रसाद तट के तट हमारे चंद्र को थे चूमते। माना ये ठीक है कि पश्चिम बहुत ही कर चुका उत्कर्ष है, ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर चुका उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही प्रपत्र भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सन कुछ साधु जन इस देश से, जाकर विवेकानंद सन कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत है अपने अतुल उपदेश से, करते उसे कृतकृत है अपने अतुल उपदेश से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। Dr. B.R. Ambedkar said, Constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Bharat ka samvidhan maan hai, gumaan hai. Hamari aastha, yeh hamari swatantrata ka gaan hai. Lok tantratmak hai, panth nirpeksh hai. Yeh samajwadi hai, sabse vishesh hai. Bharat ka samvidhan maan hai, gumaan hai.
to present such emotions and regards for our constitution, the students of class 7 are going to present a beautiful skit. Good morning, everyone. Today is a very big day for all Indian citizens as we rejoice for the celebration of our National Law Day or the Constitution Day. It is celebrated in India on every 26th January to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, our Constituent Assembly adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950. Our constitution is not merely a document of law, but it's the vehicle of life, and its spirit has always been spirit of our ages. For instance, when we think of Dr. B.R. Ambedkar, we think of our constitution, and when we think of our constitution, we remember Dr. B.R. Ambedkar, because both of them are totally inseparable. Our constitution has given many fundamental rights to all Indian citizens, which include right to equality, right to freedom, right against exploitation, culture and education rights, and right to constituent assemblies. Today, the students of class 7 are here to present a skit on these fundamental rights. Hope you enjoy it and please appreciate our efforts. First right is right to equality. Let's see if it's applicable in real life. Dad, can you please give me 3,000 rupees? 3,000 rupees? Yes, actually our school is conducting a trip to Nainital. No, you are not going anywhere. Dad, I want 3,000 rupees as my school was a trip to Nainital. Okay, my child, I am giving you 3,000 rupees. Dad, but why did you allow brother to go? Because he is a boy and you are a girl, you are not allowed. Dad, it's wrong. You can't disturb me. I want equality. Sorry, my child, I am also giving you 3,000 rupees. Thanks. Yes, Priya has the right to equality. No Indian citizen could be discriminated on the basis of his or her caste, religion, color, etc. Every Indian citizen has the right to go to all the public places, including parks, restaurants, hotels, etc. Next right is right against exploitation. Let's see if it's applicable. Balloon. One balloon in rupees 5. Ma'am, do you want balloon? No, I don't want to get anything. Get aside. Wait, but what are you doing here? You should be at school at this time. Where is your father? I want to meet him. Okay, ma'am. I will take you to my father. Father, someone wants to meet you. Who is that? I don't know. Okay. Sir, what type of father you are? You sent your child on road to sell balloons. He is my son. I can make him do whatever I want. And who are you to tell me about this? I am a responsible citizen and constitution has given a fundamental right. It is illegal to employ any children below 14 years of age. You may go to jail for this. You went to go to school? Yes. Sorry, ma'am. I will send my son to school. Sorry, sir. Yes, Gauri is right. Constitution prohibits human trafficking, forced labor and child employment under 14 years of age. Next right is culture and education right. Let's see if it's applicable in real life. Hi Varun. Hi. You know that I'm going to Madurai for the best college. Hey, what kind of college is this? It has many curricular activities and the studies of all subjects.
But India is a secular country. If you do so, others will raise questions. Yeah, I know that India is a secular country, but I have my own rights. Okay, best of luck for your college. Yes, cultural and educational rights. Minorities can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Next right is right to freedom of religion. Let's see. Hi, Nishika. Hi. I want to adopt Hinduism. What? What are you saying? You want to adopt Hinduism? Nishika, why are you shocked? See, what is she saying? She wants to adopt Hinduism. What? But why do you want to adopt Hinduism? What will society say about you? So what happened? I have a right to adopt any religion. It's a fundamental right. Okay. Yes, religious freedom is provided to every Indian citizen and every person has the right to practice the religion of their own choice. Next right is right to freedom and constitutional remedies. Give me a CV. I think he is perfectly eligible for this job. He has, but let's ask his caste first. Okay, which caste you belong? Ma'am, I am a Dalit. What? You are a Dalit? We don't afford any Dalits in our company. Ma'am, but you don't have any right to do this to me just because of my caste. This is a private company and we have our own rules. I will file a case against you in the court. Okay, let's go. Your Honor, my client has got a job just because he's a Dalit. Objection, my Lord. This is a private company and they have their own rules. But according to right to freedom, my client has all right to adopt any profession as he is connected to his caste. So after hearing all the witnesses, the court has taken its final decision. The company has to give this job to Mr. Advait and send apologies to Mr. Advait for their discriminative behavior. The court is adjourned. Right to freedom. Indian Constitution provides the freedom of expression of speech and to adopt any occupation, profession of a person's own choice. Now, when it comes to constitutional remedies, a person can move to court if he or she feels that his or her religion has been violated by the state. So these were the fundamental rights presented by our school, PNSD Shikshaniketan. Thank you. जिसकी धरती पर जन्म लिया जिसके समीर से श्वास चली जिसके अमृत से प्यास बुझी जिसकी माटी में देह बली वह भारत माँ हमको प्यारी सारे जगत से है न्यारी भारत भूमि भाव मैगी के माध्यम से नमन समर्पित करने हेतु आमंत्रित है चिरंजीव केशव पांडे हारमोनियम पर है चिरंजीव केशव झा तबले पर संगत कर रहे हैं चिरंजीव अंकुर पांडे चिरंजीव कार्तिकेय पांडे कक्षा द्वादश स्टैंड को छोटा
भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है। जननी समान धरती जिस पर जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से जिसने बड़ा किया है। जीवन वो कैसा जीवन इस पर अगर नवारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है। अमृत लुटाते आए अमृत लुटाते आए जहाँ साँज मुस्कुरा कर दिन की थकन मिटाए। दिन रात का हैं हम तो अपने मस्तक को नित ऊंचा रखते आए हैं।
जब जब दुश्मन की कलुषित कामनाओं की काली माँ हमारी सीमा पर मंडराती है, तब तक माता के मान पर अपने समस्त लौकिक सुखों को तिलांजलि देकर सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर हमारी सीमाओं के सजग प्रहरी सीना तान कर निकल पड़ते हैं। देश के सैनिकों को सामूहिक नृत्य के माध्यम से भाव सुमन अर्पित करने हेतु आमंत्रित है कक्षा नवम के छात्र। जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा।
जीत के निकल चुका, मौका मिले तो करूंगा ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture, none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, dear teachers, and all my brothers and sisters present over here. My warm greetings to all of you. I, Kanish Singh of 10th B, am going to express my views in front of you all on this auspicious occasion of Republic Day. As we all know, our country got independence from Britishers on 15th August 1947. But the fact is that India wasn't completely free from Britishers by 1947. It took a while for our country to completely shift from foreign rule to sovereign democracy. On 26th January 1950, that our very own constitution came into force. From then onwards, we started celebrating 26th January as our Republic Day every year. It is under the leadership of those great souls that we could live and breathe peacefully today. Our constitution is not just a mere legal document. It is a social contract that binds us together in unity despite our diversity. It is because of those great leaders that we could live and breathe peacefully today, that we could achieve the largest democratic country in the world. Legends like Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai, Sukhdev, Bhagat Singh, Khudiram Bose, Chandrasekhar Azad are a few of those great leaders who shed their blood for the freedom we are enjoying today. Let us all bow our heads in deep reverence to these legendary souls. Let us also remember Dr. B.R. Ambedkar Sir for his contribution in drafting world's largest written constitution with 448 articles in 25 parts and 12 schedules. He did a lot for our country. It is because of those great leaders that we could live and breathe peacefully today. In the name of these legends, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Bharat's legacy over the past seven decades has been remarkable. We have made significant strides in technology, medical, healthcare, education, and science. Bharat's 2023 legacy includes landing on the moon's southern pole, launching of the
the launching of Aditya L1, the G20 presidency, women passing of women's reservation bill, the RRR's song Nadu Nadu and Elephant Whisperers winning Oscars, and how can we forget the mesmerizing performance at sports, leading to India's highest ever medal tally at Asian Games. India came fourth with its biggest haul of 107 medals, 28 gold, 38 silver and 41 bronze medals. Although our achievements are glorious and remarkable, yet the path ahead is long, and challenges like poverty, women's safety, inequality, discrimination and environmental degradation remain. As responsible citizens of our nation, it is our duty to work together more and more hard for the environment and development of our nation. Let's pledge, uphold the values of our constitution and work to form an inclusive, sustainable and prosperous Bharat. Let us commit to make our country not just a land of history and heritage, but a beacon of progress and hope for the world ahead. Let us stand together as one nation, one people and one India. I would like to end my speech followed by these lines. Freedom in the mind, strength in our world. Pride in our soul, zeal in our heart. Let's salute our great country on this Republic Day. Thanks to one and all for giving me this great opportunity to stand and deliver my views in front of you all. Jai Hind, Jai Bharat. केसर की क्यारी हुई दुर्गंधों के नाम, बारूदी वातावरण करता था बदनाम, घाटी में बारूद के इतने उड़े गुबार, मानवता की सांस का लेना था दुश्वार, कश्मीरी धरती डरी सहमी थी खामोश, गुमसुम थी डल झील व्यक्त कर रही रोष। जी हाँ, अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे के कारण ही अलगाववादियों एवं आतंकियों द्वारा धरती के स्वर्ग को आतंकियों की विनाश लीला का मंच बना दिया गया, किंतु इस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाले ऐतिहासिक कदम के साथ ही 5 अगस्त 2019 से संपूर्ण देश वास्तव में संविधान की सच्ची परिधि में आ गया। दो झंडे और दो विधान की परंपरा हुई समाप्त, एक राष्ट्र और एक तिरंगा ही है अब पर्याप्त। ईश्वर की हम सबकी बस एक यही है मन्नत, भय मुक्त कश्मीर हमारा एक बार बने फिर जन्नत। इन्हीं शुभकामनाओं को सामूहिक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा अष्टम की छात्राएं। की गई थी एक ऐतिहासिक भूल, जिक्र जम्मू कश्मीर का है, जिक्र उस माहौल का है जो इस भूल से जन्मा था। जम्मू कश्मीर को इस भूल से तोहफे में मिला आतंकवाद, दहशतगर्दी और अलगाववाद का जख्म।
जहन्नम का नजारा देखो किस तरह बर्फ से उठता है शरारा देखो अपनी जमीन ना रहा अपना मकान ऐसे लोगों को पता जाए तो जाए कहाँ कैसे होगा भला इन सब का गुजारा देखो सुनो 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 एक खुशखबरी सुनो भारत सरकार ने कश्मीर से 370 की धारा हटा दी है जिससे कि आतंकवाद बेरोजगारी आदि कई मुश्किलों से छुटकारा मिलेगी 370 की धारा से आजाद 370 की धारा से आजाद आज कश्मीर अपना हुआ है आज कश्मीर अपना हुआ है आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 से भी आवाज आज कश्मीर अपना हुआ है 370 की धारा से आज कश्मीर अपना हुआ है भक्त लहरे ऊंचे गगन में धरती के स्वर्ग पर भी तिरंगा इतने वर्षों की आजादी के बाद आज कश्मीर अपना हुआ है 370 की धारा से आजाद आज कश्मीर अपना हुआ है अब तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए अब हमें ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक पाएगा सच में अब कश्मीर में सुख दिन आ गए प्रस्तुतिं कृते आमन्त्रितं करोमि चिरंजीव यश शुक्ला कक्षा एकादश का गणतंत्र दिवस समारोह समुपस्थिता सर्वान् प्रति हार्दिकं स्वागतं अभिनन्दनं च अत्यंत हर्षस्य विषयो अस्ति यद् वयं सर्वे जना अद्य गणतंत्र दिवस समारोहे उपस्थिता प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके अस्माकं देशः गणतंत्र उत्सवः आयोजितो भवति एतस्मिन् एकदिनांके अस्माकं देशः गणतंत्रो जातः
अयम गणतंत्र दिवस अस्माशु राष्ट्रभावं जागरयति राष्ट्रभावान् हृदय हृदय संचारयत् स्मारयति तान् युवकान् महापुरुषान् यैः स्वतंत्रताम् आप्नुम स्वातंत्र्य आंदोलनम अग्नौ स्वसुखम स्वैभवम स्वप्राणानपि सानन्दं सर्वमुतम प्रातः स्मरणीय ते वीरा कदापि भारतीयै नहि विस्मर्तुं शक्यन्ते। स्वतंत्रता प्राप्तुं गांधी नेहरू तिलकः सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखरः इत्यादि देशभक्ता स्वजीवनं राष्ट्रहिताय समर्पयत् भारत भूमौ जन्म लब्ध्वा वयं धन्याः सा अस्मान् मातृवत् पालयति अतएव स भूमि मातृभूमि उच्यते अतः वयं सर्वे भारतीया भारतपुत्रः पुत्रया च अस्य राष्ट्रस्य स्वामिना सेविका च सन्ति। अन्ते अहम् इत्यमेव कथित्वा स्ववाणीनां विरामं ददामि। भारतं वर्तते मे परम संबलम् भारतं वर्तते मे आत्मगौरवम् भारते नास्ति मे जीवनम जीवनम् भारते अर्पितं मे अखिलं चेष्टितम् जयतु गणतंत्र जयतु भारतम्। तेरी मिट्टी का हर कण देता है मुझको नव जीवन तू शाद रहे आबाद रहे कहती है दिल की धड़कन यही ख्वाहिश है दिल की इसी धरा पर मैं फिर आऊं इस माटी से उपजा हूं इस माटी में ही मिल जाऊं मेरी आंखों में मेरी सांसों में बन की खुशबू तू बहता है मेरे वतन मेरे चमन मेरी रग रग में तू बहता है मेरी रग रग में तू बहता है। आइए देश प्रेम के पुनीत भावों से ओतप्रोत नृत्य प्रस्तुति का आनंद लें। Thank you.
more than before. Just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue. So I would humbly invite Honorable Responsible, Enthusiastic, Senior Lawyer and Dedicated Manager of our school, Mananiya Shri Aditya Shankar Bajpayee, who has always been very affectionate and source of inspiration for us, to oblige us with his guidance and blessing. राष्ट्र के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर विद्यालय परिसर में और विद्यालय प्रांगण में आयोजित समारोह में मंच पर आसीन माननीय प्रांत संचालक भवानी भीख जी, जो हमारी प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं और जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हम सभी को, प्रधानाचार्य जी को, मुझको, सभी को सदैव मिलता रहता है, भवानी भीख जी, मंच पर आसीन हमारे विद्यालय के यशस्वी एवं कर्मठ प्रधानाचार्य श्री ब्रजमोहन कुमार सिंह जी, विद्यालय के संगीत विभाग की अध्यक्षा एवं विद्यालय की उप प्रधानाचार्य श्रीमती मनीषा मंजूबाला श्रीवास्तव जी एवं इस समय प्रांगण में उपस्थित समस्त विशिष्ट जन, अतिथि जन, छात्रों के अभिभावक जन, समस्त शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों, कर्मचारीगण और हमारे समक्ष उपस्थित प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को अपनी ओर से और विद्यालय की ओर से कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अभी जो छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, उसमें छात्र भैया हर्ष प्रताप सिंह ने संविधान के बारे में बताया और संविधान कैसे बना, कैसे प्रवृत्त हुआ, इसके बारे में बताया। स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुई,
असम के क्रांतिवीरों में जिनके नाम सुपरिचित हैं, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल आदि तमाम क्रांतिवीरों ने अपने कर्म धन को त्याग करके देश को अपना सब कुछ समर्पित किया और तब हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? स्व माने अपना, तंत्र माने शासन, अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र यानी अपने को कैसे हम शासित करेंगे, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सुअवसर मिला, ये अधिकार मिला। देश को सुचारू रूप से चलाना था, उस समय के राजनेताओं के समक्ष ये बहुत बड़ा कार्य था। उसके निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, देश को चलाने के लिए एक सुपरिचित नियम बनाने थे। संविधान सभा का गठन हुआ, अभी बच्चों ने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में, जो उस समय के बड़े ही बड़े कानूनविद थे, उनके सभापतित्व में संविधान सभा ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। और जैसा बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, किंतु उस दिन हमारे संविधान के केवल 15 प्रावधान लागू किए गए और शेष प्रावधान अंतिम विचार विमर्श के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ लागू हुए। तो इस प्रकार से आप देखें तो 26 जनवरी 1950 को हम एक संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक जन गणतंत्र की रूप में विश्व में हमारा देश स्थापित हुआ। ये तो संक्षेप में बताया, सभी आपको आपको मालूम है। अभी हमारे सामने छात्रों ने तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया रखी। गणतंत्र दिवस पर छात्र अंश प्रताप सिंह ने संविधान के बारे में वक्तव्य दिया, जिसके बारे में मैंने भी आपको संक्षेप में बताया। लघु नाटिका छात्राओं द्वारा संविधान पर आधारित प्रस्तुत की गई, इसमें संविधान के बारे में जानकारी दी गई और हमारे संविधान की जो दो विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता का उस नाटिका के द्वारा विशेष रूप से मंचन किया गया, वो है हमारे मौलिक अधिकार। हमारे संविधान के अंतर्गत हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के वो नैसर्गिक अधिकार होते हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीने की समाज में कल्पना नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स के बारे में लघु नाटिका के द्वारा आप सबको परिचित कराया गया। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया, यानी संवैधानिक उपचार, ये भी आप हर नागरिक का संवैधानिक उपचार है। उसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है और चाहे तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिल्कुल डायरेक्टली जा सकता है और अपने मौलिक अधिकार की संरक्षा की याचना कर सकता है। लेकिन हाँ
संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया, किंतु हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हम सब नागरिकों का कर्तव्य है, तभी हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़ सकता है, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ हो सकता है। यदि हम मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। मौलिक कर्तव्य में पहला कर्तव्य क्या है कि हमें अपने संविधान का आदर करना है, उसका सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमें हिंसा से दूर रहना है, सामूहिक संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे किसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण की और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है, जिनमें हमारे देश में पहाड़ आते हैं, नदियां आती हैं, झीलें आती हैं, इन सब की सुरक्षा करना है। तो इन सब कर्तव्यों का पालन भी आपको करना है, तभी हमारा राष्ट्र सुदृढ़ और संपन्न हो सकता है। हमारे संविधान के अनुसार हमारी संसद सर्वोच्च संस्था है। हमारी संसद को देश के हित में, जनता के प्रति हित में उचित कानून बनाने का अधिकार है, और यदि किसी कानून को जो जनता के लिए आवश्यक नहीं है, हमारा अहित कर रहा है देश का, उसे समाप्त करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त संविधान के अंतर्गत हमारी संसद को संविधान में समयानुकूल परिस्थितियों को देखते हुए देश की सुरक्षा हेतु उचित संशोधन करने का भी अधिकार है। हाल के वर्षों में आपने देखा, जैसा अभी लघुनाटिका के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया, हमारे देश में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, जिसके प्रभाव स्वरूप जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य का दर्जा मिला, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब कार्य देश हित में हुए। इसका परिणाम क्या हुआ कि आज जम्मू कश्मीर में हर प्रकार प्रगति देखने को मिल रही है। वहाँ के छात्र बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ आतंकवाद की घटनाओं को वहाँ पर करीब करीब पूर्ण विराम लग गया है। तो ये पहला संशोधन हमारे भारत सरकार ने संविधान के अंतर्गत रह करके ही किया, धारा 35 को समाप्त किया था। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात बहुत दिनों से हो रही थी। सब सरकारें कहती थी महिलाओं को सशक्तिकरण सशक्त किया जाए, किंतु अभी तक महिला सशक्तिकरण का कानून संसद में पारित नहीं हो सका। हमारे गृहमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इसकी ओर प्रयास किया, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण का कानून पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब 33% महिलाओं को संसद में, विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित की हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तीसरा
अभी अभी हाल में संशोधन किया। संविधान के बारे में आपने देखा, हमारे यहाँ बहुत पुराने कानून समाप्त किए गए तमाम संशोधनों के द्वारा, लेकिन अभी हाल में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है वो भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंग्लिश में ITC कहते हैं, दूसरा आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों दंड से यानी आपराधिक मामलों में लागू होते हैं। ये बहुत पुराने कानून थे। मैं अधिवक्ता हूँ, मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है, और आप लोग भी देखते होंगे TV इत्यादि में समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि न्याय मिलने में लोगों को बहुत विलम्ब होता, बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती। कहते थे कि जब जाओ तो तारीख ही तारीख मिल जाती है, न्याय नहीं मिलता। अभी छात्रों ने लग्न नाटिका प्रस्तुत की जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में प्रदर्शन किया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ को लाने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और सामान्य जनता को त्वरित शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए इन तीनों ही कानूनों में परिवर्तन किया गया है बिल ला करके। तो ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी हाल ही में सरकार ने संविधान में संशोधन के द्वारा किए। आज हमारे देश को एकात्मकता की आवश्यकता है। हम देखते हैं कहीं कहीं सरकारें आवाज उठाती है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, जातिवाद का विष फैलाया जा रहा है, वर्गवाद का, संप्रदायवाद का विष फैलाया जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता क्या है? देश को बहुत नुकसान हो रहा है। हमें आवश्यकता है देश में एकात्मकता को स्थापित करना, किसी जाति विशेष को आगे बढ़ावा देना नहीं। इसी उद्देश्य से आपने देखा होगा कि अभी जो जननायक और समाजवाद के मुख्य शिल्पकार स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को हमारी सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया, ये उसी एकात्मकता को स्थापित करने की ओर कदम है। इससे ही हमारे देश में एकात्मवाद आएगा, वर्ग विभेद समाप्त होगा। हमारे संविधान के मुख्य प्रश्न पर सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई है। जब कोई कानून बनाया जाता है तो प्रस्तावना सबसे पहले लिखी जाती है, प्रीएम्बल, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको कहते हैं। किसी कानून के प्रीएम्बल में या प्रस्तावना में जो लिखा जाता है उसका मूल उद्देश्य ये है, होता है कि जो हम इस अधिनियम के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत प्रावधानित करने जा रहे हैं उसकी मूल भावना को समझने के लिए इसी प्रस्तावना का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्तावना के अनुरूप ही किसी अपने संविधान का वर्गीकरण, अपने संविधान का विश्लेषण होता है। फंडामेंटल राइट्स उसी से इन्फोर्स होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए भी उसी के अंतर्गत प्रावधान है। तो मुख्य प्रश्न में है प्रस्तावना के बाद तमाम देवी देवताओं के, महर्षियों के चित्र लगाए गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख रूप में चित्र किसका अंकित है? हमारे इस भगवान प्रभु श्री राम के राम दरबार का लगाया गया है। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के
राम दरबार का किस अंकित करने का उद्देश्य है संविधान के अंदर, क्या उद्देश्य है? हमें भगवान श्री राम के कामों को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए, उन्होंने जो अपने जीवन में आदर्श उपस्थित किए, उन आदर्शों को देखते हुए, उन आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करना है, उन आदर्शों का पालन करना है। और अंततः यदि भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों को हम पालन करेंगे, उनके जैसा आचरण करेंगे, तो हमारे यहाँ जो राम राज्य की स्थापना होगी, ये उसका मूल उद्देश्य है। इसको जब हमारे राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में आया, तो इसको प्रमुखता से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है। तो राष्ट्र को आवश्यकता क्या है? राष्ट्र को राष्ट्र प्रतिष्ठा जो हुई भगवान प्रभु श्री राम की गर्भ में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा के पहले हमारे यशस्वी और संकल्प दृढ़ के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का कठोर व्रत रखा, उपासना रखी, उपवास रखा और 11 दिन तक वो केवल नारियल पानी पी करके अपना कार्य भी देखते रहे, जो राजनेता के रूप में उनके ऊपर आयत था, और उपासना भी करते रहे, और उस उपासना के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा मूर्त में हो जाती है, तो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब वो गर्भगृह न रह करके हमारे देव आराध्य देव प्रभु श्री राम का विग्रह स्थापित हो गया। आवश्यकता क्या है? मोदी जी ने तो अपना कार्य कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देव मूर्ति स्थापित हो गई, दर्शन के लिए सभी जगालाई से सब जा रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम सभी भारतीयों का, विशेषकर युवा पीढ़ी को, छात्रों का कर्तव्य क्या है कि हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की तरह ही दृढ़ संकल्प और व्रत लेना है कि हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलना है, उनके जैसा आचरण करना है, और राष्ट्र को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के गौरव और प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिए, उसके लिए उसको अक्षुण बनाए रखने के लिए, अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये सब कार्य करने जो मोदी जी ने व्रत लिया, ये आज इस बात की आवश्यकता है। वहीं पर हमको विराम नहीं दे देना है कि भगवान प्रभु श्री राम की स्थापना हो गई और हम लोग दर्शन करें और अपने घर में चुपचाप बैठें, कोई ऐसा कार्य न करें, अनुशासनहीनता का कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे देश के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो। अनुशासनहीनता से आप अपना बड़ा अहित करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको अनुशासित रहना है, चाहे छात्र जीवन हो या छात्र जीवन के बाद आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, वहाँ अनुशासन का पालन करना, विनयशीलता का पालन करना, विनम्रता दिखाना, ये आपके आचरण में होना चाहिए। आपको रामायण पढ़ते होंगे, जानते होंगे भगवान अपने हनुमान जी की विनम्रता देखिए कि जब वो लंका के लिए प्रस्थान किए तो सुरसा ने अपना वजन बढ़ाया और उनको खाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी विनम्रता देखिए कि वो जो उनको खाना चाहती थी उसके सामने ही एक सूक्ष्म रूप से रख करके इसके काम से निकल गए और बाद में उसको प्रणाम किया
और उसको माता के रूप में संबोधित किया और ये कहा कि माता मैं अपने कार्य को पूर्ण करके पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे विनम्रता बढ़कर के कोई हो नहीं सकती। तो अनुशासन और विनम्रता ही आपको जीवन में सफलता देती है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मन और हृदय में सदैव ये भाव रहना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। हम किसी भी प्रांत में रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी धर्म का पालन करते हों, किंतु हम सभी भारतीय हैं, ये भावना होनी चाहिए। यदि इस भावना को अपने मन में रख करके आप कोई कार्य करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है आपसे जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा, सदैव अच्छा ही आचरण आप करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और उसी आचरण से, उसी भाव को मन में रखते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो संविधान की भी रक्षा होगी और हमारे लोकतंत्र की भी सुरक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब ज़्यादा समय न लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा सादर नमस्कार। अब मुझे एक कार्य और आपके सामने संपादित करना है। हमारी सरकार ने नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया है। नशे के अंतर्गत यदि नशे का वर्गीकरण किया जाए तो तमाम बातें आती हैं। शराब पीना ये भी नशा है, अन्य किसी प्रकार का मादक पदार्थ सेवन करना ये भी नशा है। नशा जो है व्यक्ति को हर प्रकार से क्षति ही पहुंचाता है, किसी प्रकार से उसका कल्याण नहीं होता, उसका परित्याग करना है। शरीर को वो क्षति पहुंचाता है, आपको आर्थिक रूप में वो क्षति पहुंचाता है, आपके परिवार को वो क्षति पहुंचाता है, आपका परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, समाज नष्ट भ्रष्ट होता है और देश का बहुत बड़ा अहित होता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम नशा मुक्ति आंदोलन को सफल बनाने हेतु स्वयं भी शपथ लें। अब मैं आपके सामने जो आपको शपथ लेनी है नशा मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत उसको मैं पढ़ूंगा और आप सब लोग उठ करके उस शपथ को ग्रहण करें और संकल्प लेंगे। ये शपथ क्या संकल्प है? मैं शपथ लेता हूँ, लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, एवं अपने परिजनों, मित्रों, परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा और प्रेरित करूंगी। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए योगदान करूंगा करूंगी। धन्यवाद। आप इस संकल्प को अच्छा सा अपने जीवन में पालन। प्रबंधक महोदय जी से निवेदन है कि सत्र 2022-23 में
स्टूडेंट काउंसिल में प्रधानमंत्री पद का सुचारू रूप से निर्वहन करने वाले भैया देवांग त्रिपाठी को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। ऊपर बैठ जाइए। Now I would invite Ms. Aparna Mishra, the Prime Minister of Student Council, to extend vote of thanks. It is said that feeling thankfulness and not expressing it is like robbing a person and not giving. Honorable Chief Guest, present dignitaries, respected Principal Sir, teachers, parents, press reporters and my brothers and sisters. Today, I consider an occasion as an honor and privilege to extend the vote of thanks. On the behalf of our institute and all the students, I would like to thank and express my gratitude to our chief guest, the respected dignitaries, for giving his precious time and inspiration to the students. Sir, your presence and motivation will be remarkable for our betterment of our future and progress. In an affectionate manner, you highlighted the qualities of our constitution and inspired us to value and preserve our rich culture and tradition. Sir, I assure you that we all the students, with the cooperation and guidance of our principal sir and teachers, will follow the path shown by you and try to do our best in every field of life and to serve our country with the skills which will be developed in us by such motivational programs. At last, I would like to thank again to our honorable chief guest and respected principal sir, teachers, all the students for your presence, inspiration and showing your interest in the program. Jai Hind, Jai Bharat. कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में होगा वंदे मातरम। शस्य श्याम राम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुण्यगीतयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदाम्बरदां मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् भारत माता की जय। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सूचना ध्यान से सुन लेंगे। अभी कोई अपनी पंक्ति से नहीं हटेगा। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। पीछे जो कुर्सियों पे बच्चे बैठे हैं, अभिभावक बंधु बहने बैठे हैं, वे सभी अभी बैठे हैं। ये बच्चे खड़े हैं, बैठ जाएं पंक्ति में।